कुशी नगर एजुकेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं मोहम्मद सरताज, एक बार फिर आपके बीच उपस्थित हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे। दोस्तों, जैसा कि लिखा हुआ है कि नो योर स्टेट उत्तर प्रदेश, जानिए उत्तर प्रदेश को। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे डिटेल में। तो दोस्तों, पहले हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल में जानेंगे कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड क्या क्या बातें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में, उन क्वेश्चंस का जिक्र करेंगे वन बाय वन करके। दोस्तों, बेसिक फैक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, बेसिक फैक्ट्स अबाउट उत्तर प्रदेश स्टेटहुड। दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को स्टेट बना। कैपिटल जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 75 हैं। गवर्नर जो है प्रेजेंट टाइम की वो हैं आनंदी पटेल जी। चीफ मिनिस्टर जो हैं वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। हाईकोर्ट जो है इलाहाबाद में है, जिसकी खंडपीठ जो है लखनऊ में है, खंडपीठ जो है लखनऊ में है। और चीफ जस्टिस जो है गोविंद माथुर जी हैं। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली में है 403, जिनमें से एक्सक्लूडिंग वन एंग्लो इंडियन मेंबर, मतलब एक जो है वो एंग्लो इंडियन मेंबर रखा जा सकता है राज्यपाल के अलाट करने पर। लोकसभा सीट्स जो हैं वो 80 हैं, राज्यसभा सीट्स 31 हैं। और अगर विधानसभा सीट, विधान परिषद सीट की बात करेंगे, विधान परिषद की सीटें जो हैं वो यहाँ पर 100 हैं, जो कि सबसे ज़्यादा हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों बाउंड्रीज की, तो जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है कि बाउंड्रीज से रिलेटेड जो है आता है क्वेश्चन। जो यूपी की बाउंड्री है वो राजस्थान से लगती है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली द नॉर्थ वेस्ट, और उत्तराखंड एंड नेपाल द नॉर्थ, और बिहार जो है ईस्ट से, बिहार से लगती है मध्य प्रदेश टू द साउथ एंड टचेस द स्टेट ऑफ झारखंड एंड छत्तीसगढ़ टू द साउथ ईस्ट। तो दोस्तों, इतने प्रदेशों से बाउंड्री लगती है। स्टेट सिंबल की बात करते हैं तो स्टेट एनिमल जो है वो है बारहसिंघा। स्टेट बर्ड की बात करते हैं तो सारस क्रेन है। और स्टेट फ्लावर की बात करते हैं तो पलास है। और स्टेट ट्री की बात करते हैं तो अशोक है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम लोग बात करते हैं स्टेट क्रेन की, स्टेट एनिमल की बात करते हैं तो है बारहसिंघा, और अगर हम लोग बात करते हैं स्टेट बर्ड की तो वो है सारस क्रेन, और अगर स्टेट फ्लावर की बात करते हैं तो दोस्तों वो है प्लास, और जो है स्टेट ट्री की बात करते हैं दोस्तों अशोक है। आगे बात करते हैं दोस्तों हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में बात करते हैं। इट वॉज क्रिएटेड ऑन 1 अप्रैल 1937 एज द यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड औध ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल एंड वॉज रीनेम्ड उत्तर प्रदेश इन 1950। दोस्तों, पहले इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से हम लोग यूपी को जानते थे, जिसका जो है 1 अप्रैल 1937 को इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन जब ब्रिटिश लोग चले गए यहाँ से, तो 1950 में जब अंग्रेज लोग चले गए और हम लोग को स्वतंत्रता मिल गई थी, जब गणतंत्र स्थापित किया गया, तो 1950 में इसका नाम बदलकर यूपी कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ऑन 9 नवंबर 2000 अ न्यू स्टेट उत्तराखंड वाज कर्व्ड आउट फ्रॉम द स्टेट हिमालय हिल रीजन। प्रेजिडेंट रूल हैज बीन इम्पोज्ड इन उत्तर प्रदेश 10 times। दोस्तों, 10 बार यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग चुका है 1968 से, फॉर डिफरेंट रीजन एंड फॉर अ टोटल ऑफ 1700 days। तो दोस्तों, यहाँ पर 10 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है अभी तक, और 1700 दिनों के लिए लग चुका है। दोस्तों, फर्स्ट CM ऑफ यूपी जो है वो हैं गोविंद वल्लभ पंत, और सरोजनी नायडू जो है वो फर्स्ट गवर्नर हैं यूपी की, और यूपी की ही नहीं पूरी इंडिया के भी वो हैं फर्स्ट गवर्नर। तो दोस्तों, इसको हम लोग को ध्यान रखना है कि सबसे फर्स्ट जो है वो यूपी की ही नहीं पूरे इंडिया की फर्स्ट गवर्नर है। जियोग्राफी की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश इज़ द इंडियाज फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट। दोस्तों, चौथे नंबर पर जो है ये सबसे बड़े राज्य में आता है, और रफली ऑफ सेम साइज एज यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम जो देश है उसके बराबर एरिया, लैंड एरिया के लगभग है। द लार्जर जेनेटिक प्लेन रीजन इज इन द नॉर्थ, इट इंक्लूड्स द गंगाज, यमुना, डोब, द घाघरा प्लेन्स, द गंगाज प्लेन्स एंड द तेराई, द स्मॉलर विंध्या रेंज एंड प्लाट्यू रीजन इन द साउथ। द स्टेट हैज मोर देन 32 लार्ज एंड स्मॉल रिवर्स। तो दोस्तों, इसमें 32 लगभग स्मॉल एंड लार्ज रिवर्स हैं, जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, बेतवा, घाघरा आर लार्जर एंड ऑफ रिलीजियस इंपॉर्टेंस इन हिंदुइज्म।
आगे दोस्तों बात करते हैं, द इलेक्शन टू द 17th उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली वाज हेल्ड फ्रॉम 11 फरवरी टू 8 मार्च 2017 इन 7 पेजेस। दोस्तों जब 2017 में चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो उसमें जो है वो 11 फरवरी से 8 मार्च 2017 तक चला, जिसमें जो 7 फेजेज में 7 चरणों में कराया गया था। भारतीय जनता पार्टी जो है बहुमत के साथ सरकार बनाई, 325 सीटें जिसके हाथ में आई, और 18 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ जी जो है वो अपॉइंट कर दिए गए न्यू सीएम के रूप में उत्तर प्रदेश के। तो दोस्तों योगी आदित्यनाथ जो हैं वो सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, और यूपी बीजेपी चीफ केशव प्रसाद मौर्य एंड दिनेश शर्मा वर अपॉइंटेड एज द डिप्टी सीएम। दोस्तों इन लोगों को, चीफ केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा जी को डिप्टी सीएम के पद पर अपॉइंट कर दिया गया। दोस्तों ये हैं योगी आदित्यनाथ जी आगे जो कि सीएम है यूपी के। मेजर डैम्स की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है बन जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट डैम्स रिहंद बांध जो है, रिहंद या गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और जो है शहजाद डैम, शारदा सागर डैम जो कि इम्पॉर्टेंट है। जिनमें से लेकिन बात करते हैं पूरे की, रिहंद या गोविंद वल्लभ पंत सागर डैम जो है एक ही डैम है, रिहंद ट्रिब्यूटरी ऑफ सन मतलब पिपरी सोनभद्र पर है, और परिच्चा डैम बेतवा रिवर झांसी कानपुर NH-25 पर पड़ता है। अब मतालिता डैम जो है बेतवा रिवर ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जैमिनी डैम जैमिनी रिवर महारावनी ललितपुर में पड़ता है, शहजाद डैम शहजाद रिवर ललितपुर, गोविंद सागर डैम शहजाद रिवर ललितपुर, और शारदा सागर डैम तो शारदा और यहाँ पर भी शारदा है, वो शारदा रिवर पुरानपुर पीलीभीत में पड़ता है। दोस्तों आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ उत्तर प्रदेश, तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मोती झील, कानपुर वाला पूछा जाता है, रामगढ़ वाला पूछा जाता है, और इसमें पूछा जाता है बेला सागर ताल। तो दोस्तों लेकिन हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेक्स ऑफ उत्तर प्रदेश की, तो सारी लेक्स के बारे में बात करेंगे। बरुआ सागर ताल जो है झांसी में है, बेला सागर ताल जो है कुलपहार, बेला ताल, चित्तौड़ झील जो है बहराइच में है, कीथम झील जो है वो आगरा दिल्ली हाईवे पर है, मोती झील जो है कानपुर में है। दोस्तों ये ज़्यादा पूछा जाता है मोती झील से रिलेटेड क्वेश्चन। राजा का ताल जो है NH-19 पर है, रामगढ़ ताल लेक जो है गोरखपुर में है, शेखा झील जो है अलीगढ़ में है। आगे दोस्तों हम लोग बात करते हैं अब लिस्ट ऑफ मोनूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन उत्तर प्रदेश। ताजमहल जो है वो आगरा में है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट मोनूमेंट्स हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है, तुलसी मानस टेम्पल वाराणसी में है, हनुमान सेतु टेम्पल लखनऊ में है, और दोस्तों राम जन्मभूमि अयोध्या में जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। दोस्तों त्रिवेणी संगम जो है अलाहाबाद में है, और दोस्तों सारनाथ टेम्पल जो है वाराणसी में है, और मणिकर्णिका घाट जो है वाराणसी में है। तो दोस्तों ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम्स में, क्योंकि ट्रेंडिंग में है। इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन उत्तर प्रदेश। दुधवा नेशनल पार्क है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, महावीर स्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, जो नवाबगढ़ बर्ड सेंचुरी जो है वो सबसे यूपी का पुराना बर्ड सेंचुरी है। आगे देखते हैं दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें अभी तक जितने क्वेश्चंस को, जितने पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस किए हैं, उनको अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे कि एग्जाम्स में किस बेसिस पर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका हम लोग जिक्र करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थी, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थी सरोजनी नायडू जी, जो कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरी भारत की प्रथम राज्यपाल थी। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत। आगे बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कर्मचारी किस क्षेत्र में नियोजित हैं, तो दोस्तों कृषि क्षेत्र में हैं। आगे बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है, तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान है 4th, लेकिन आंध्र प्रदेश जो है जब तेलंगाना से अलग हुआ उसके पहले जो है 5वें स्थान पर था, लेकिन आंध्र प्रदेश का तेलंगाना से अलग होने पर ये
एरिया के बेसिस पर चौथे स्थान पर है और जनसंख्या के बेसिस पर प्रथम स्थान पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है, लेकिन पहले पांचवा स्थान था कुछ समय पहले, जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग नहीं हुआ था। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहले पे है, फिर महाराष्ट्र दूसरे पर है और बिहार तीसरे पे है। आगे बात करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री जो है रायबरेली में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव मनाया जाता है? दोस्तों आगरा में। आगरा सिटी सबसे ज़्यादा फेमस किस चीज़ के लिए? दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। उस्ताद विलायत खान संबंधित हैं सितार से, दोस्तों ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये वाराणसी से रिलेट करते थे। उत्तर प्रदेश किन फसलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों ये है आलू गन्ना और गेहूं के क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली नकदी फसल जो है गन्ना है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल जो है गेहूँ है। आगे बात करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक आंवला उत्पादित होता है? तो दोस्तों है प्रतापगढ़ में। भारत की कुल कृषि योग्य भूमि का कितने परसेंट उत्तर प्रदेश में है? तो 15% है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन योजना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन परियोजना कब लागू की गई थी? तो दोस्तों 1 जुलाई 2001 में लागू की गई थी। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है? तो दोस्तों ये दशहरी है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब लागू हुई थी? 18 जून 2001 को। उत्तर प्रदेश में कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ से प्रभावित है? पूर्वी उत्तर प्रदेश। आगे बात करते हैं दोस्तों, देश की कुल कृषि भूमि का कितना परसेंट उत्तर प्रदेश में स्थित है? 15% जो है वो कृषि भूमि के लिए स्थित है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो सिंचाई का प्रमुख साधन नलकूप है। आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधनों का क्रम है, सबसे पहले नलकूप, फिर नहर, फिर तालाब एवं कुएं। तो दोस्तों इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर में है। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद था लेकिन अब चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। दोस्तों जो चेंजिंग नाम वाला वीडियो है वो दोस्तों हमारे चैनल पर है, हमने वीडियो बना रखा है, उससे रिलेटेड 70 क्वेश्चन जो है हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का गेटअप करके एक वीडियो बनाया है दोस्तों, उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो पूछे जा सकते हैं जो चेंजिंग नाम वाले हैं। उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना कहाँ की गई? दोस्तों उत्तर प्रदेश में आईटी सिटी की स्थापना लखनऊ में की गई। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्रकूट में गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। दोस्तों यहीं से सुरेश रैना खेल के इंडियन टीम तक का सफर किए हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में। किस वर्ष उर्दू को उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई? 1989 में। दोस्तों उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की घोषणा की गई? गाजियाबाद में। दोस्तों आगे बात करते हैं, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीक्राफ्ट कहाँ स्थित है? दोस्तों कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालय हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश में 6 विश्वविद्यालय हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ 1996 में बना था। आगे बात करते हैं दोस्तों, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920, राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी 2013, फुर्सतगंज एयरफील्ड अमेठी, रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश झांसी 2014 में बनाया गया। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है ये 1887 ईस्वी में बनाया गया, उसके बाद BHU 1916 में बनाया गया। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिटेल में जिक्र कर लिया है, उन पे डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में आशा करता हूँ सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट पता हो गए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो दोस्तों इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं उनमें ये बहुत ही धड़ल्ले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे उन लोगों को उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल में जानकारी हो जाए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो प्लीज़ हमारे चैनल कुशीनगर एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे हमारे चैनल पर होने वाली सारी गतिविधियों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से, तब तक के लिए अलविदा चाहता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद।